जिला डोडा के भद्रवा में मिनिमम वेजेस और रेगुलराइजेशन की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों द्वारा प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन की अगुवाई हॉल सफाई कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद अब्बास कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें हर बार नजरअंदाज किया जा रहा है, हम कोरोना योद्धाओं के रूप में जान हथेली पर रख कर दिन रात सेवा में लगे रहे, परंतु हमारे लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। हमें वेतन सिर्फ 6,750 रुपए महीना मिल रहा है, जो पर्याप्त नहीं है, जबकि अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में सफाई कर्मचारियों को 18,350 रुपए मिलते हैं। उन्होंने मांग की कि उन्हें जल्द से जल्द पक्का किया जाए और मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए। कश्मीर घाटी के सब सेंटर अस्पताल में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसमें 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को स्वास्थ्य केंद्रों में आने और टीका लगाने का अनुरोध किया जा रहा है। टीका पूरी तरह सुरक्षित है, इस टीके को लगाने से कोरोना रोकथाम में सफलता हासिल होगी। एक साल में सक्रिय जम्मू कश्मीर परिसंघ आयोग की फिलहाल एक ही बैठक हुई है, लेकिन उसमें भी जम्मू संभाग से साथ भेदभाव का मुद्दा हावी रहा। विधानसभा सीटों के परिसमन को लेकर लिखित आपत्तियां पेश होना बाकी है। बीजेपी सांसद जुगल किशोर शर्मा ने उम्मीद जताई है कि परिसमन के बाद जम्मू संभाग को जरूर इंसाफ मिलेगा। महाशिवरात्रि के पर्व को देखते हुए पिछले 3 महीनों से आंदोलन कर रहे धर्मा ट्रस्ट के कर्मचारियों ने आज से शिव मंदिरों के साफ सफाई करने का निर्णय ले लिया है। शिवरात्रि पर्व को देखते हुए कर्मचारियों ने 10 से 12 मार्च तक के लिए हड़ताल को स्थगित कर दिया है, साथ ही कोई प्रदर्शन करने का निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन इस दौरान क्रमिक भूख हड़ताल जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपनी जिंदा दिल्ली के लिए मशहूर हैं। यही वजह है कि जब भी मौका मिलता है वो भजन गाने और यहाँ तक कि नाचने का मौका भी नहीं छोड़ते। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों इंटरनेट मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाच देखकर हर कोई उनकी वाहवाही कर रहा है। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पोती की शादी के मौके पर देश भर के कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कई वरिष्ठ गणमान्य लोगों ने शिरकत की। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में आज सुबह कर्मचारियों ने एकाएक काम छोड़कर हड़ताल पर चले गए। भवन समेत श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग व्यवस्था प्रभावित होकर रह गई। आज सुबह 5 बजे करीब विभिन्न ड्यूटियों पर तैनात कर्मचारियों ने अपना काम काज छोड़कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसमें भवन में तैनात पंडित भी शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि भवन में तैनात एसोसिएशन ने कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की, वहीं विरोध करने पर घंटों तक उन्हें हिरासत में रखा गया। जम्मू कश्मीर में सीआईडी वेरिफिकेशन नहीं होने के बावजूद सरकारी विभागों में तैनात होकर वेतन भत्ते ले रहे संदिग्ध बैकग्राउंड वाले नए कर्मचारियों की पहचान की जाएगी। यूटी जम्मू कश्मीर सरकार ने इस दिशा में कार्रवाई करते हुए ऐसे नए कर्मचारियों का वेतन भत्ते बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने एक संयुक्त ऑपरेशन में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 840 ग्राम हेरोइन की खेप बरामद की है। यह ऑपरेशन पुंछ के मेंढर में लॉन्च किया गया था। देश भर में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 16,838 नए मामले सामने आए। इस दौरान 113 मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद पूरे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,11,73,761 हो गई है, तो वहीं अब तक 1,57,548 लोगों की इस महामारी से जान जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज एक और पुरस्कार मिलने जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री आज कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएटिक वीक के वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार से नवाजे जाएंगे। उन्हें यह सम्मान ऊर्जा और पर्यावरण में स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए दिया जा रहा है।